वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। देखो बच्चों, लास्ट जो हमने वीडियोस देखे थे वो वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है सिमिलैरिटी का वो सॉल्व किया था। सो दो पार्ट में हमने वो वीडियो बनाया है, पार्ट 4A एंड B। सो अगर अभी तक आपने वो देखा नहीं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। सो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो थियरी पार्ट है वो थियरी पार्ट हम लेने वाले हैं। सो देखो, हमारे टॉपिक का नाम है टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो उसके पहले, टेस्ट देखने के पहले, फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या है, ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए क्या क्या जरूरी होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, वो पहले हम देखेंगे। चलो, सो फर्स्ट हम देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब क्या। देखो, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने देखा था छोटा सा पार्ट, मतलब जो ट्रायंगल चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है वो आपने पूरे डिटेल में देखा था, और छोटा सा सिमिलैरिटी का पार्ट जो है, सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या, ये आपने देखा था। ठीक है, सो सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या, यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये दो ट्रायंगल्स निकाले, ट्रायंगल A, B एंड C, और दूसरा ट्रायंगल निकाला ट्रायंगल P, Q एंड R। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है यहाँ पर, अरे दोनों ट्रायंगल्स जो है, दोनों का शेप जो है वो सेम है, शेप जो है दोनों ट्रायंगल का सेम है, लेकिन इसकी साइज थोड़ी बड़ी है और इसका साइज थोड़ा छोटा है। बराबर है, सो इसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। देखो, सिमिलर हम सिमिलर कब बोलते हैं, अगर आप देखो बहुत, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स है, सो हम रिलेटिव्स हमें बताते हैं ना कि अरे आप जो है वो आप सेम टू सेम आपकी मम्मी की जैसे दिखती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि आप और मम्मी दोनों का चेहरा सेम, मतलब एकदम इक्वल है, सेम टू सेम है, ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका और आपका मम्मी का चेहरा जो है वो थोड़ा मिलता जुलता रहता है। ठीक है, सो यही पर भी वैसा ही है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप सब लोगों मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को जूम का ऐप पता है। ठीक है, ऐप नहीं, सॉरी, जूम का मतलब जो फीचर है वो पता है। जब हम कोई भी चीज़ फ़ोटो निकालने के बाद हम कोई भी चीज़ अगर जूम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो है, वो चीज़ जो है वो हमें बड़ी दिखने लगती है। क्या दिखने लगती है? बड़ी दिखने लगती है, लेकिन उसका शेप जो है वो क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। ओके, कंसिडर करो, आपने अपने खुद का फोटो निकाला और वो जूम करके देखा। सो जूम करने के बाद ऐसा होता है क्या कि अरे आपके फ़ोटो की जगह पर आपके मम्मी का फ़ोटो आ गया? होता है क्या ऐसा? कभी नहीं होता। ठीक है, या फिर आपके फ़ोटो की जगह पर आपके पापा का फ़ोटो आ गया, ऐसा होता है क्या? कभी कभी नहीं होता। जूम करने के बाद क्या होता है, आप ही का ही फोटो रहता है, लेकिन उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो, मेरे पास मेरा फ़ोन है, उसमें मैंने क्या किया है, एक छोटा सा ट्रायंगल निकाला है, उसका फोटो निकाला है। देखो, सो देखो यहां पर है, सो यहां पर है ट्रायंगल PQR। ठीक है, होप सब लोगों को दिख रहा होगा यहां पर क्या है, ट्रायंगल PQR है। फोटो दिख रहा है सब लोगों को? अगर मैंने इसको जूम किया, क्या किया, जूम किया, क्या हो रहा है? जूम करने के बाद क्या हो रहा है, ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल सेम वही रह रहा है, लेकिन सिर्फ उसका साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। मतलब उसका शेप जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसका साइज जो है वो बड़ा होता है। देखो, ये छोटा किया और ये अगेन बड़ा किया, क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ साइज चेंज हो रही है। सेम सिमिलर ट्रायंगल्स जो है वो ऐसे ही होते हैं, सेम जो रहते हैं सेम ऐसा ही होता है। वहां पर क्या होगा, शेप जो है दोनों का शेप सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी साइज जो है वो डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। अब आप सब लोगों को समोसा पता है, समोसा सब लोग खाते हैं। ठीक है, समोसा कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में रहता है। ठीक है, अगर देखो तो कुछ समोसे होते हैं ना, ऐसे इतने छोटे छोटे समोसे होते हैं,
ठीक है, और कुछ समोसे होते इतने बड़े बड़े समोसे होते हैं, सो छोटा समोसा लिया क्या या फिर बड़ा समोसा लिया क्या, उसका शेप तो सेम ही रहेगा ना। समोसा का शेप जो है ऐसा चेंज हो जाता है, बड़ा पाव के शेप में आता है क्या समोसा बड़ा होने के बाद? नहीं होता, शेप जो है ट्रायंगुलर शेप ही रहेगा उसका समोसे का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका शेप सेम है लेकिन साइज जो है वो अलग अलग है। ठीक है, मिनी समोसा, बड़ा वाला समोसा, ऐसा कभी खाया है? मुझे पता नहीं सब लोगों ने खाया है या नहीं मिनी समोसा, लेकिन इतने छोटे छोटे समोसे भी रहते हैं और कुछ समोसे ऐसे बड़े बड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है? साइज जो है वो चेंज हो गई लेकिन शेप जो है वो सेम रह गया। ऐसे जो डायग्राम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ऐसे जो ट्राइंगल्स है उसको क्या बोलेंगे हम? सिमिलर ट्राइंगल्स। सो सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब क्या? ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स, सो यहां पर हमें क्या पता चलता है सिमिलर ट्राइंगल्स? देखो, शेप जो है दोनों का शेप जो है वो सेम है, चाहे वो इस तरीके का ट्राइंगल हो सकता है, चाहे वो इस तरीके का ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, क्या दिख रहा है दोनों में? शेप सेम, साइज अलग अलग। नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो, शेप सेम, साइज डिफरेंट। ठीक है, सो इस टाइप के जो ट्राइंगल्स है इसको क्या बोलते हैं हम? सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ देखने में आ रहे, हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, साइज सेम है तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ऐसा होगा नहीं। सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये तो बेसिक्स है, हमें दिखाई देने में हम ये बोल सकते हैं, लेकिन हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके लिए है कुछ कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? दो कंडीशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, आपको ये भूलना नहीं है कभी। क्या कंडीशंस है? फर्स्ट देखो, ट्रायंगल के एलिमेंट्स होते हैं, सो हमें दो एलिमेंट्स चाहिए। कौन कौन से? एक है उसका एंगल और दूसरा है उसका साइड। ठीक है, ओके, एक है उसका एंगल और दूसरा है उसका साइड, ओके। सो ये हमें देखना है। सो फर्स्ट हम क्या कंसीडर करेंगे? एंगल कंसीडर करेंगे। सो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए एंगल्स की कंडीशन क्या है? ये हम क्या देख रहे हैं? कंडीशंस क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए? ठीक है, सो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए फर्स्ट उसके एंगल्स कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए एंगल्स? एंगल्स होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? इक्वल मेजर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? दे आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो दूसरा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का ही होना चाहिए उसका करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक 120 डिग्री का है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए? 120 डिग्री का ही होना चाहिए। तो समझ में आ गया? सो एंगल्स जो है वो कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट हमने देखा सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए, फर्स्ट हमने एलिमेंट देखा वो है एंगल्स का एलिमेंट, और एंगल्स कैसे होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ये कभी भूलना नहीं है आपको सिमिलैरिटी में, ये कंडीशंस आपको हमेशा याद रखना है कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर तभी होते हैं जब उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या? यहाँ पर देखो, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू। ठीक है, ए का करस्पॉन्डिंग क्या है? पी। और सी का करस्पॉन्डिंग क्या है? आर। समझ में आ गया? सो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड हमें क्या चाहिए? सेकंड हमें देखना है साइड्स। सेकंड क्या देखने हैं हमें? साइड्स देखने हैं।
सो सेकेंड एलिमेंट जो है वो हमें कंसिडर करना है साइड्स। साइड्स कैसे होने चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर देखो, ये साइड ए बी है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू। अब दोनों का साइज जो है वो सेम है क्या? नहीं। दोनों की लेंथ सेम है क्या? नहीं। हमें दिख रही है एक बड़ा है एक छोटा है, इसका मतलब उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है क्या, इक्वल हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, ठीक है। सो सिमिलर ट्रायंगल्स जो है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कभी इक्वल नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? तो क्या होता है यहाँ पर, देखो ये करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, ओके। सो हमें रेशो क्या मिला यहाँ पर? ए बी अपॉन पी क्यू। क्या मिला? ए बी अपॉन पी क्यू। नेक्स्ट देखो बी सी, बी सी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर। सो हमें रेशो मिला बी सी अपॉन क्यू आर। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट साइड इज ए सी, ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी आर। मतलब हमें रेशो क्या मिला? ए सी अपॉन पी आर। सो सभी का रेशो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब साइड्स के बारे में हमें क्या कंडीशंस पता है? तो यहाँ पर देखो, एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, एंड साइड्स के बारे में हमें क्या याद रखना है? रेशो ऑफ corresponding sides must be equal, और must be equal, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि corresponding sides must be in equal proportion, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये सभी का रेशो हमें कैसा चाहिए? इक्वल चाहिए। अगर इसका रेशो 1/2 है तो इसका भी 1/2 चाहिए, इसका भी 1/2 चाहिए। अगर इसका रेशो 5/4 है तो इसका 5/4 चाहिए, इसका भी क्या चाहिए? 5/4। समझ में आ गया। सो यहाँ पर देखो, हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब क्या? सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, जैसे हमने जूम करके देखा था, ठीक है। शेप तो सेम ही रह रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो साइज है वो बड़ा हो रहा है। मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स का शेप सेम रहेगा, साइज कम ज़्यादा हो सकता है। साइज कैसे होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। सो सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए हमें कंडीशंस क्या चाहिए? कंडीशंस ये चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एंगल्स होता है। एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। एंड दूसरा एलिमेंट है साइड्स। साइड्स कैसे होने चाहिए? सो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। कैसे होने चाहिए? इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए सभी साइड्स जो है वो। समझ में आ गया। सो दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो फर्स्ट देखो, एंगल्स कैसे होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब देखो, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी, ठीक है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल क्यू, एंड एंगल सी is congruent to the angle R. So this is the condition for this is the condition for similar triangles. ठीक है, angles कैसे होने चाहिए? Corresponding angles must be congruent. तो फिर sides कैसे होने चाहिए? Sides का ratio यहाँ पर हमें मिला। This is very important. ये दो part जो है ये बहुत important है, ये वाला और ये वाला। These आर द कंडीशंस फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स सिमिलर होने के लिए ये कंडीशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, एंड साइड्स शुड बी इन इक्वल प्रपोर्शन। मतलब क्या? उसका रेशो जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो देखो, दो यहाँ पर हमें कंडीशंस मिले। फर्स्ट कंडीशन है एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स कैसे होने चाहिए? एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट।
और सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड है साइड्स। साइड्स कैसे होने चाहिए, साइड्स शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। समझ में आ गया। सो ये हो गया सिमिलर ट्राइंगल्स जो है वो, ठीक है। सो ये सिमिलर ट्राइंगल्स के कंडीशंस है। सो हम सिमिलर ट्राइंगल्स लिखते कैसे हैं, जब ऐसा हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। सो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, नोट कैसे करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आया समझ में, ऐसा हम उसको लिखते हैं। सो दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ये किसकी साइन है, सिमिलैरिटी की साइन है, ये आपको नहीं भूलना है। और ये जो है वो कॉन्ग्रुएंसी की साइन है। सो दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो ये हमने क्विक रिविजन करी कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है। सो देखो, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखने हैं ये दो कंडीशंस। सो आप क्या करो, एक क्विकली इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, सो चलो बच्चों, सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको ये पता चला कि सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या है और उसके सिमिलर होने की कंडीशंस क्या है। ओके, सो देखो, सो अगर हमें ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने हैं तो इस कंडीशंस को लेके हम क्या कर सकते हैं, कुछ टेस्ट बना सकते हैं कि उस टेस्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अरे ये टेस्ट अगर ट्रू है तो हमें क्या होगा, ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे कुछ टेस्ट है कि उससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। सो अब हम देखने वाले हैं वो टेस्ट, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, वो टेस्ट देखने वाले हैं कि जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो कैसे है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो तो हमने देखा, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट एंड साइड्स शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। सो ये पार्ट आपको कभी नहीं भूलना, ठीक है। ओके, सो अब हम कंसिडर करेंगे डिफरेंट टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। सो फर्स्ट टेस्ट जो है वो है ए ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट कौन सी है, ए ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए ए ए टेस्ट। सो ए ए ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स एंगल एंगल एंगल। ए ए ए मतलब क्या, एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसका मतलब क्या, कंसिडर करो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, सो देखो यहां पर ये दो ट्राइंगल्स ए ए ए टेस्ट से सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कब, जब ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या, जितना मेजरमेंट ए का होता होगा उतना ही मेजरमेंट पी का होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये 60, ये 20 है तो ये 20। ओके, जितना मेजरमेंट बी का है उतना ही मेजरमेंट क्यू का होना चाहिए। मतलब ये अगर 50 है तो ये भी 50, ये 70 है तो ये भी 70, और जितना मेजरमेंट सी का है उतना ही मेजरमेंट आर का होना चाहिए।
मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30, अगर ये 80 है तो ये भी 80, समझ में आ गया? सो इसका मतलब क्या, जब जब एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी, ए का करस्पॉन्डिंग कौन है पी, देन एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल क्यू, ओके, एंड थर्ड कौन सा है, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल आर। आया समझ में? आले का लक्षात सगळ्यांना, अगर ये कंडीशंस है तो ट्रायंगल ए बी सी, जब ये कंडीशंस ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, ये कंडीशंस ट्रू है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, आ गया समझ में? सो देखो, फर्स्ट ए ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमें क्या बताती है, ठीक है? सो देखो, सो हम अब क्या करेंगे, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कि स्टेट विथ द हेल्प ऑफ नीट एंड मतलब प्रॉपर डायग्राम, स्टेट एनी थ्री टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। इसका मतलब आपको क्या करना है, कौन से भी 3 टेस्ट जो है सिमिलैरिटी के, वो आपको बताना है, उसके डायग्राम निकालने हैं, उसका ऐसा करस्पॉन्डेंस लिखना है, ठीक है, एंड वो जो टेस्ट है वो वर्ड फॉर्म में आपको लिखनी है। सो वर्ड फॉर्म में हम देखेंगे। सो देखो, ए ए टेस्ट हमें क्या बताती है, व्हेन व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल टेस्ट, क्या है क्या है, कब हो सकती है सिमिलर, कब हो सकती है ए ए टेस्ट से सिमिलर, इफ इफ करस्पॉन्डिंग, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देखो, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समझ में आ गया? सो ये हो गई हमारी फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इसको हम बोलेंगे ए ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, सबको समझ में आ गया, ओके, चलो। सो इट इज वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं, अगर उसका मेजरमेंट सेम है तो वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सेकेंड टेस्ट देखो, सेकेंड टेस्ट है ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्या है, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो, ए ए टेस्ट का मतलब क्या है और वो ए ए ए टेस्ट से अलग कैसी है, ठीक है, ए ए ए मतलब क्या, एंगल एंगल एंगल, और सिर्फ ए ए मतलब क्या, एंगल एंगल। सो दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ऐसा क्या है, यहाँ पर थर्ड एंगल दिया है, यहाँ पर थर्ड एंगल दिया नहीं, सो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो इसका मीनिंग ये है, देखो, इट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट, कंसिडर करो ये 2 ट्राइंगल्स हैं, अगेन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। देखो, अगर यहाँ पर एंगल ए जो है, कंसिडर करो एंगल ए जो है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है पी, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड एंगल बी जो है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हम एक सिंपल एग्जांपल देंगे, ठीक है, हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। देखो, अगर ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर किया, इसमें एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है, देन एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, एंगल ए इज इक्वल टू 20, एंगल बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखो हमने क्या बोला, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी, मतलब एंगल पी जो है वो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री का हो जाएगा, और एंगल क्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा. ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द पी एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द क्यू. ओके, अब देखो हमें थर्ड एंगल कितना है पता है क्या? नहीं, हमें ये एंगल पता नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्या पता है? हमें ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है. क्या है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. बराबर है ना? यह हम सब लोगों को पता है. सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ सी. ओके, सो देखो इफ ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 60, देन एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस ये रिमेनिंग टू एंगल्स की एडिशन. कितनी हुए? 180 माइनस 80, मतलब रिमेनिंग एंगल हमें कितना मिला? 100 डिग्री का मिला. ठीक है, अब जैसे हमने इस ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट किया, वैसे हम इस ट्रायंगल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस रिमेनिंग टू एंगल्स की एडिशन करो. क्या मिला? 180 माइनस 80, आंसर क्या मिला? 100. मतलब अगर हमें थर्ड एंगल पता भी ना हो तो भी हम क्या कर सकते हैं? थर्ड एंगल निकाल सकते हैं. जब हमें टू एंगल्स पता है, एनी टू एंगल्स, इफ वी नो एनी टू एंगल्स, वी कैन फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल. ठीक है, मतलब यहां पर हमें थर्ड एंगल पता नहीं, फिर भी हम थर्ड एंगल की मेजरमेंट निकाल सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? और वो दोनों कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? दोनों भी सिमिलर है, सेम आ रहे हैं, दोनों का भी मेजरमेंट सेम आ रहा है. आया ध्यान में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर थर्ड एंगल हमें पता नहीं हो फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द बी पी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द क्यू, देन अपने आप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द आर. कैसे? ऐसे, जैसे हमने फाइंड आउट किया दोनों का मेजरमेंट सेम आ गया. इसका मतलब ये है कि टू एंगल्स आर सफिशियंट टू से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, दो एंगल्स जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये कंडीशन सफिशियंट है ये प्रूव करने के लिए कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं. आया सब लोगों को ध्यान में? ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल टेस्ट. दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर तीनों एंगल्स का मेजरमेंट हमें पता है और तीनों एंगल्स क्या है? सेम है, इक्वल मेजरमेंट के है. ठीक है, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल मेजरमेंट के है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ दो एंगल्स पता है. ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है, ये भी पता है. तो ये दो एंगल्स हमें पता है, यही कंडीशन सफिशियंट है ये प्रूफ करने के लिए कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं. आया ध्यान में सब लोगों को? सो दिस इज वेरी सिंपल कंडीशन. सो अगर यहां पर सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि अगर कौन से भी दो एंगल्स, ठीक है, कौन से भी दो एंगल्स हमें पता है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है. दिस कंडीशन इज सफिशियंट टू से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, सो यहां पर देखो हमारी टेस्ट क्या हो गई, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो गई, कि इफ एनी टू एंगल्स ऑफ any two angles of a triangle, ठीक है, of a triangle are congruent to their corresponding angles,
टू देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल ओके देन दिस कंडीशन इज सफिशियंट टू से दैट the triangles are similar by which test? AA test of similarity. ठीक है? So this is very simple. क्या है? अगर कौन से भी दो जो है, दो corresponding angles जो है, वो अगर congruent है, so this condition is sufficient to say that the triangles are similar by AA test of similarity. मतलब यहाँ पर हमें third angle की जरूरत है क्या? नहीं. कौन से भी दो angles पता है, उसके corresponding angles congruent है, तो वो ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर. सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है, ध्यान में रखना है. ठीक है? सो देखो, यहाँ पर है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल क्यू. देन यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. आले लक्षात? सो ये हो गई हमारी ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी, ए ए टेस्ट में क्या देखा, तीनों एंगल्स का मेजरमेंट हमें पता है और तीनों एंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है? सो वो हो गया ए ए ए टेस्ट. और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एनी टू एंगल्स हमें पता है, कौन से भी दो एंगल्स हमें पता है और वो दो एंगल्स कैसे हो गए, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम बोल सकते हैं दिस कंडीशन इज सफिशियंट टू से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, सो ये हो गए हमारे दो टेस्ट. अब जो थर्ड टेस्ट है वो है, थर्ड टेस्ट इज एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है? सो तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो. ओके, हमारे जो पिछले वीडियोज हैं वो देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. ओके, चलो तब तक थैंक यू.